हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रीति। और ये देखिए, जैसे कि आप इसको जानते ही होंगे, ये है बीट रूट यानी कि चुकंदर। और बीट रूट के बहुत सारे फ़ायदे हैं, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है और इसको आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। और हम इसको सैलड के रूप में खाते हैं, लेकिन बच्चे इसको सैलड के रूप में खाना पसंद नहीं करते। और क्या आप जानते हैं कि बीटरूट से बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई जाती हैं? तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज बनाने जा रही हूँ बीटरूट की चटनी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बीटरूट को अच्छे से छील के उसको वॉश करके और इसके बाद इसको हम ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो टुकड़ों में भी काट सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में। तो चटनी बनाने के लिए पहले हमने गैस पे रखा है एक पैन, और इसमें डालेंगे हम ऑयल। आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं, सरसों का तेल भी डाल सकते हैं आप, मस्टर्ड ऑयल। और मैंने इसमें खाने वाला तेल डाला है तकरीबन 1 बड़े चम्मच। और तेल थोड़ा गर्म हो जाएगा उसके बाद हम डालेंगे खड़े मसाले, और जिसमें हमने लिया है 2 लाल मिर्च, 1 चम्मच सौंफ और 1/2 चम्मच काली मिर्च। और उसके बाद हम डालेंगे हरी मिर्च 2 कटी हुई। और पहले हम खड़े मसाले डाल देंगे इसमें, सूखी लाल मिर्च, सौंफ और काली मिर्च। और इसको थोड़ा हम रोस्ट करेंगे जब तक कि तड़कने की आवाज ना आए। और अब इसमें डालेंगे हींग, 1 पिंच हींग डाली है खुशबू के लिए, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब देखिए, 1 मिनट इसको हमने भून लिया है, और इसमें हमने थोड़ा 1 पिंच हींग भी डाल दिया था। अब इसमें डालेंगे हम ग्रेट किया हुआ चुकंदर यानी बीटरूट। और इसको हम मीडियम या स्लो फ्लेम पे इसको हम थोड़ा रोस्ट करेंगे, भूनेंगे ताकि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए। अब हम डालेंगे इसमें मसाले। इसमें डालेंगे हम 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टेबल स्पून डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, और इसको थोड़ा मिक्स कर देंगे। और साथ में हम डाल देंगे हरी मिर्च 2 कटी हुई। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, और इसको हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे ताकि जो बीट रूट है वो अच्छे से गल जाए। दो से तीन मिनट हो गए हैं, आइए इसको चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, बीट रूट थोड़ा गल गया है। अब इस स्टेज पे हम गैस ऑफ कर देंगे और उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, और हल्का ठंडा होने के बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे। तो फ्रेंड्स, बीट रूट थोड़ा ठंडा हो गया है, तो अब हम इसको मिक्सी ग्राइंडर में डाल के ब्लेंड करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से इसको ब्लेंड कर लिया है, पीस लिया है, और काफ़ी अच्छा कलर आया है। आप देख सकते हैं एकदम स्मूथ सा पेस्ट की तरह बन गया है ये। अब चलिए, अब हम इसको दोबारा से तड़का लगाते हैं, और फिर हम गैस पे रखेंगे पैन या कढ़ाई, सॉस पैन, और गैस ऑन कर देंगे। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 1/2 टेबल स्पून ऑयल है ये। तेल गरम हो गया, अब इसमें डालेंगे हम गार्लिक यानी कि लहसुन, 2 लहसुन बारीक कटा हुआ,
अब हम डालेंगे चुकंदर यानी कि बीटरूट। और उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें डाल देंगे पानी। हम 1 टेबलस्पून नमक, हम थोड़ा सा गुड़, और गुड़ को बैलेंस करने के लिए थोड़ी सी हम डाल देंगे चीनी 1 टेबलस्पून। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। 1 टेबलस्पून डालेंगे हम मैंगो पाउडर, और आप चाहें तो इसकी जगह नींबू भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको हम 5 मिनट ढक के पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, चुकंदर यानी कि बीटरूट की चटनी हमारी रेडी है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और लास्ट में हम डालेंगे हरे धनिया की पत्ती। तो चटनी हमारी रेडी है। अब इसको हम ठंडा होने देंगे और उसके बाद सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रही बीटरूट यानी कि चुकंदर की टेस्टी चटनी। और फ्रेंड्स, यकीन मानिए ये बहुत ही टेस्टी बनी है, और आप भी इस तरह से बनाकर एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। और इसको आप पकौड़े के साथ, पराठे के साथ, डोसा के साथ और बड़ों के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। इस तरह से चटनी बना के और ट्राई करके एक बार कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा कि ये चटनी आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।